पर्व छठ पूजा शुरू हो चुकी है, क्योंकि चार दिनों तक ये पर्व चलेगा। आज इसका पहला दिन था। इस त्योहार को लेकर बाजारों में जबरदस्त भीड़ है, लेकिन इस पर्व पर कहीं ना कहीं महंगाई की मार पड़ रही है। फल विक्रेताओं की माने तो हर साल के अनुपात में इस साल फलों का रेट बढ़ा है, जिसको लेकर क्रेता भीड़ के बावजूद खरीदारी बहुत कम कर रहे हैं। लेकिन सुख समृद्धि तथा मनोकामनाओं की पूर्ति का यह त्योहार सभी समान रूप से मनाते हैं, जिसमें महंगाई आस्था पर भारी होने पर भी लोगों में उत्साह काफी नजर आ रहा है। बलिया जनपद के सभी बाजार फलों से सज धज कर पूरी तरह तैयार हो गए हैं। छठ पूजा को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह और उमंग है। महिलाएं पूजा के सामानों के साथ अपने श्रृंगार की सामग्री भी खूब खरीदारी कर रही हैं। बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट। छठ के समय सर नारियल सबसे ज्यादा जरूरी होता है, दौरा जरूरी होता है, माटी फल हर फल की जरूरत होती है। हर सभी की मनोकामना पूर्ण होती है अगर सच्चे मन से करे तो। जी खरना भी आप लोग करती हैं? हाँ, तो खरने में क्या क्या आप लोग करती हैं? खरने को शाम को खीर खाया जाता है, गुड़ का बना हुआ, और जिसका जो मन करो खाता है, लेकिन सबसे ज्यादा खीर ही खाया जाता है। जी जी अपने कोई अच्छा से करता है तो उसको अच्छा फल मिलता है, और जो नहीं ऐसा करेगा तो उसका भगवान सब देखते हैं। हमारे पांडे खूब महंगाई की वजह से सभी ग्राहक लोग इधर उधर घूम रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, इसमें सभी महंगाई की वजह से ठीक नहीं रहा। ये नारियल 40-50 का बेच रहे हैं, खरीदारी हम लोग का 3500 रुपया सैकड़ा का हो रहा है, इसी वजह से सभी ग्राहक 50 के बाद नहीं आ रहा, जो आता है सभी बुलाई करके भाग जाता है।